हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इंडिया स्टडी लर्न में। दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंटों का जो है अभी तक स्कॉलरशिप वाला फॉर्म वो वेरीफाई नहीं हुआ है। ऐसे में दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट जो है परेशान हो गए कि स्कॉलरशिप वाला फॉर्म जो है वो वेरीफाई कब से होगा और आपका जो पैसा है स्कॉलरशिप वाला वो कब से आने स्टार्ट हो जाएंगे। दोस्तों, इन सारी बातों को जानने के लिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिए। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ नीचे दिए हुए लाल रंग वाले सब्सक्राइब वाले बटन को क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, फटाफट स्टार्ट करते हैं। सिंपली दोस्तों आपको जो है scholarship.up.nic.in पे आ जाना है। आने के बाद आपको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है। यहां पे आपको एक लेटेस्ट न्यूज देखने को मिलेगा और ये वाला जो है नोटिस दोस्तों देख पा रहे, इन वाले नोटिस को आपको डाउनलोड कर लेना है। देखिए न्यूज जो लिखा हुआ आ रहा है, टाइम टेबल फॉर पोस्ट मैट्रिक, यहां दोस्तों 18 अक्टूबर 2019 वाला, यही वाला आपको डाउनलोड कर लेना है। तो चलिए दोस्तों, हम क्लिक करके जो इसको डाउनलोड कर लेते हैं। डाउनलोड करने के बाद कुछ ही सेकंड में दोस्तों ये जो है पीडीएफ खुल जाएगा। आपको दोस्तों ये इन सारी बातों को जानने के लिए इसमें सारी बातें मेंशन की गई है, जानकारी दी गई है इन नोटिस में। ठीक है दोस्तों, आपको चलिए मैं आपको दिखाता हूं। अगर दोस्तों आप 12 नंबर वाले ऑप्शंस में यहां देखिए देखेंगे, यहां देखिए साफ साफ बता दिया गया है कि आपका जो है फॉर्म है वो वेरीफाई कब से स्टार्ट होंगे अगर आपका अभी तक वेरीफाई नहीं हुआ है। यहां देखिए 12 नंबर दोस्तों बताया जा रहा है, जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति द्वारा शुद्ध डाटा के संबंध में निर्णय लिया जाना, स्वीकृति करना एवं जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर के शुद्ध डाटा को लॉक किया जाना। मतलब दोस्तों यानी कि आपके फॉर्म में कोई भी किसी प्रकार की गलती नहीं होगी, त्रुटि नहीं होगी, बिल्कुल ठीक ठाक होगा। तो उनके द्वारा चेक करके, ठीक है, वेरीफाई यानी कि शुद्ध तरीके से जो है जांच करके जो है आपका फॉर्म जो है वो वेरीफाई यहां से स्कॉलरशिप विभाग से दोस्तों आपका कर दिया जाएगा। कब से, इनकी तिथि देखिए बता दी गई है, 19 दिसंबर से स्टार्ट हो जाएगी सबका वेरीफाई होना और 26 दिसंबर तक होगा ये क्रिया। ठीक है, 19 दिसंबर से लेकर के 26 दिसंबर तक के बीच जब आप अपना स्कॉलरशिप स्टेटस चेक करेंगे तो आपका जो है वेरीफाई देखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, इसमें घबराने की कोई भी बात नहीं, आपका भी बहुत जल्द जो है वेरीफाई हो जाएगा। देन दोस्तों रही बात आपका पैसा दोस्तों कब से आएगा, तो दोस्तों वो भी सारी बात इसमें दी गई। यहां देखिए 19 नंबर वाले ऑप्शन में देखिए बता दिया है, जनपद स्तरीय विभाग अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लॉक डाटा के आधार पर कोषागार के ई पेमेंट के तहत PFMS से छात्र छात्राओं के बचत बैंक खातों में सीधे धनराशि अंतरित किया जाना। कब से, देखिए 25 जनवरी तक यह आनी जो प्रक्रिया होगी आपकी पैसा वो 22 जनवरी से लेकर के 25 जनवरी के बीच सभी छात्र छात्राओं के अकाउंट में जो है सारे पैसे जो भी आएंगे स्कॉलरशिप से वो आपके चले जाएंगे। तो ठीक है दोस्तों, इसमें घबराने की कोई बात नहीं, सभी का हो जाएगा। मैं दोस्तों कहूंगा आप लोगों के ये जो नोटिस आप जो है डाउनलोड करके एक बार जरूर पढ़िए। ठीक है, आपके जितने भी मन में डाउट हैं वो जरूर आपके क्लियर हो जाएंगे। दोस्तों आई होप ये छोटा सा वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। थोड़ी बहुत भी हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ अपने दोस्तों में और व्हाट्सएप ग्रुपों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों फिर मिलते हैं अगले कोई नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।